we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. अभी बहुत भूख लग रही है तो अभी हम खाने वाले हैं. कॉल से हमने क्वेश्चन सैंडविच और यस और मैकडॉनल्ड्स. अभी हम मैकडॉनल्ड्स खाएंगे. हम बाद में आएंगे. ऑरेंज जूस. तो गाइस हम लोग अभी ट्रेन ले चुके हैं फ्रॉम पेरिस गैरिलियन टू बेसिल. बेसिल हमारा फर्स्ट स्टॉप रहेगा. बेसिल से हम लोग फिर जाएंगे लूसन. हाउ डू यू फील? यू आर गोइंग स्विस फॉर सेकंड टाइम राइट? यस एक्चुअली इंटरलाकन और ज्यूरिक मैंने देखा है बट इट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम इन ज़र्मैट सेंट मॉरिट्ज़ एंड दैट प्लेसेस दैट वी आर गोइंग. लाइक 3 घंटे की जर्नी है. खाने पीने का अगर आप अपना खुद का सामान लेके आते हो तो बेस्ट है. हम लोग ने ये टिकट बुक की थी अराउंड 129 यूरोस में फॉर बोथ ऑफ अस एंड वी डिजर्व द सीट्स आल्सो. बहुत चिल वाइब है. मतलब सब अपने पे बैठे हैं. वाई फाई है, अपना काम कर रहे हैं. एंड लेट्स सी माय बर्थडे ट्रिप हाउ इट गोस. और नवीन को मजा आ रहा है व्लॉग करके. या फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग. We have reached Basel and this is the waiting area. Here is Gulgappa Girl. We have to take this train और हम उतरेंगे यहाँ पे. This is our first stop. By the way, यहाँ की रेलवे स्टेशन काफ़ी sorted है. Everything is on board. हर एक चीज़ print की गई है. And this was the train we came. Platform number 7. We came to platform number 10. And yes, we all set to go. पहुंच चुके हैं. टोटल 4 to 5 hours लग गए यहाँ पे पहुंचने तक. गाइस हमने जस्ट चेक इन किया है. अभी 4 बज रहे हैं. सो प्रैक्टिकली हमारा आधा दिन तो निकल ही गया. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आई थिंक वी आर गोइंग टू लीव इन नेक्स्ट 15 मिनट्स मैक्स. मैंने सोचा था मैं अपने बाल दूंगी बट लीव इट, मैं अपने बाल भी नहीं धोने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज, डू अ लिटिल मेकअप एंड लीव. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ का रूम टूर दे दूँ. सो अगेन वी आर स्टेइंग इन आइबिस. ये 1 किलोमीटर दूर है ल्यूसॉन मेन स्टेशन से. एंड दिस वन इज आइबिस टाइल्स. एक आइबिस बजट भी है वो हमने नहीं लिया. दिस इज आइबिस टाइल्स. रूम लुक्स प्रीटी डिसेंट टू मी. ओके सो दिस इज द रूम. दिस इज मच बेटर देन पेरिस वाला रूम गाइस. ये माउंटेड प्लेस विच आई डोंट थिंक सो विल बी गोइंग. हियर वी हैव अ स्मॉल डेस्क एंड अ टीवी. एटलीस्ट ये है. हमने मैगी कैसे कप्पा नूडल्स लेके आए तो हम सोच रहे थे जहाँ पे हम पानी गर्म कर सकें. अच्छा सो यू गेट दिस थिंग. यू कैन एक्चुअली यूज बसेज एंड ट्रेन्स फॉर फ्री विद इन जोन 10. हमारे पास स्विस पास है सो वी प्रैक्टिकली डोंट नीड दिस बट गुड फॉर समवन हु डजंट हैव अ स्विस पास. एंड यू ऑल्सो हैव फ्री वाई फाई ऑल ओवर ल्यूसॉन. सो ल्यूसॉन इज आवर फर्स्ट प्लेस. ओ आई फॉरगॉट टू शो यू द वॉशरूम. दिस इज द वॉशरूम. द वॉशरूम इज प्रीटी बिग ऑनेस्टली. सी एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज not much, just some buildings. Guys, we are now ready. This is the outfit I'm wearing, very casual. And Navin ka outfit mujhe bahut acha laga. Your birthday outfit. Yeah, bro. Very nice. Okay, now we are going to have some lunch, guys. We are so hungry. Chal jaldi bahut bhook lagi hai. Isme laga bhi khol diya. Let's go. Let's go. Maine phone liya na. Fight for hours just to please you. I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. We have come at this. Oh, okay. हम लोग यहाँ पे आए हैं एट दिस प्लेस कॉल्ड रेस्टोरेंट मोस्ट्रोस. दिस इज आवर व्यू फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग टू हैव पास्ता. फाइनली वी आर हैविंग स्पेगेटी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स विदाउट शूटिंग. दिस इज द 3rd अटेम्प्ट टू गेट गुड स्पेगेटी. लेट्स सी इफ वी गेट हियर. बट एनीवे यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं स्पेगेटी अरोरा व्हिच इज विथ चिकन ब्रेस्ट मशरूम्स एंड टमेटो क्रीम सॉस. और हम लोगों ने एक्चुअली बाजू वालों का देख के फ्रेंच फ्राइज मंगाए.
मैं बोल रही हूँ, हम लोग ने बाजू वालों का देख के फ्रेंच फ्राइज मंगाया क्योंकि फ्रेंच फ्राइज मेन्यू में तो है, बहुत भूख लगी थी, सोचा कि जल्दी जल्दी आ जाएगा। हाँ एक्चुअली इट्स लेट लंच, अभी 5 बज रहे हैं और हमने यहाँ पे डिज़र्ट नहीं खाया क्योंकि एक स्पॉट है ल्यूसर्न में जहाँ की आइसक्रीम बहुत पॉपुलर है, मेरे एक फ्रेंड ने भी बोला था। सो दिस इज़ दैट स्पॉट, इट्स कॉल्ड 10, हाँ क्राउड देखिए आप, सो इट्स 10 DC। Off duty on birthdays. बहुत मस्त है, चॉकलेट बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। Thanks to Viraj. Viraj told this. हाँ Viraj. Thank you Viraj. Finally, very randomly sat on this ferry जो हमारे स्विस पास में इंक्लूडेड है। 2.5 घंटे की ये पूरी राइड होती है और लिटरली हम लोग ने ऐसे दिखाती हूँ कहाँ बैठे हैं, ये देख रहे हो, ऐसे पूरा लग के बैठे हैं ताकि हम पूरा व्यू एंजॉय कर सकें। एंड रैंडमली हम लोग गए और पूछा कि भाई स्विस पास में इंक्लूसिव है कि और हमको टिकट लेनी पड़ेगी, जैसे नो इट्स इंक्लूसिव एंड लाइक चलो यार 2 घंटे फुल टाइम पास करके आते हैं। I think start over. नहीं start over. So this is how we are going to enjoy the rest of the evening. इसे आप जो भी देखेंगे वो होंगे यहाँ के प्यारे प्यारे नज़ारे। Actually कल हम माउंट पिलाटस जा रहे हैं और हमें पहले लगा कि हमें सुबह जल्दी निकलना है, but now we came to know 9:30 वहाँ की ट्रेन चालू होती है। Still we have to get up by 6 and we have to be ready by 8. 9:30 is still fine. So now we can just be here on the ferry and enjoy. Because हम लोग अगर कल 9:30 की first ferry लेंगे माउंट पिलाटस के लिए so we will take around 2 hours to reach there. वहाँ पे 1-2 घंटा chill मारा and we'll be back by 4 and then यहाँ पे क्या वीकेंड की वजह से आई गेस थोड़ी ज़्यादा शांति होती है, तो वी वांट टू एंजॉय कल का दिन भी क्योंकि फिर परसों निकल जाना है आपको यहाँ से। दिस आर व्यू राइट नाउ, क्या प्यारा लग रहा है। इफ़ यू आर कमिंग टू स्विट्जरलैंड ऑलवेज बाय अ स्विस पास, इट्स एक्सपेंसिव बट आप खुलेआम कोई भी ट्रेन ले सकते हो, बस ले सकते हो एंड सो मेनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर इंक्लूडेड, यहाँ आपको हाफ प्राइस पे मिलता है। हम लोग एक्चुअली भी होटल जा रहे थे वापस और बैठे मेन्यू वेन्यू टेबल पे आया सब ऐसे, फिर हमें लगा यार ये स्विस पास में कैसे होगा, अगर इतना होता स्विस पास में तो सब लोग आके बैठते ना। एना पे कोई जा नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था, फिर वहाँ पे ना एक पैम्फलेट था, वहाँ पे जाके देखा ऑल इंक्लूसिव क्रूज 179 फ्रैंक्स ओनली। इसने बोला पहले तू उठेगी या मैं उठूँ। हम लोग को काफ़ी सिटी एक्सप्लोर करना था रादर देन टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि स्विस पास का फुल वसूल करेंगे एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर कमिंग टू स्विस, स्विस पास का फुल वसूल करो, ट्रेन्स फ्री है एंड देन बसेस फ्री है, ये फेरी फ्री है। आपको ना वो फेरी दिखा सकती हूँ, रुको आपको वो वाली दिख रही है, वो वाली थी। ओके गाइस अभी से आप देखिए प्यारे प्यारे नज़ारे। I'm
एवरीवन, टुडे इज़ अ न्यू डे और आज हम जा रहे हैं माउंट पिलाटस पे. तो आपको एक्चुअली एक बस लेनी पड़ती है एंड यू हैव टू गेट डाउन एट ग्रेंस जर्मेंट पिलाटस. वहाँ से आपको 7 मिनट्स वॉक करके जाना पड़ता है फॉर केबल कार. दिस इज़ वन ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज़ आप बोट में भी जा सकते हो एंड देन यू कैन गो इन अ कॉगवील ट्रेन. जैसे आपने देखा कि दो तरीके हैं जाने के, इधर गो बाय फेरी और बाय दिस रूट. वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस बोथ. जहाँ यहाँ से रहें आएंगे वहाँ से, सो दैट दोनों एक्सपीरियंस मिले. और ऑल्सो ऑल दीज आर इंक्लूसिव ऑफ स्विस पास. गाइस अभी हम लोग टिकट लेने वाले हैं. इफ़ यू हैव स्विस पास तो आपको 50% ऑफ मिल जाता है ये केबल कार राइड पे. तो आई थिंक इट्स 7 francs वन साइड. या वन साइड तो हम वन साइड लेंगे. सॉरी, इफ यू टेकिंग बोथ द साइड इट इज 14 francs. बट अगर आपके पास स्विस पास नहीं है तो इट्स लाइक 35 francs पर साइड. बहुत ज़्यादा है. तो स्विस पास का फायदा यही है. एंड हम लोग आने के टाइम सोच रहे हैं कि हम कॉगवील ट्रेन लेंगे. सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू. सो एक्साइटेड बट बहुत गर्मी है. मैं इसीलिए पहन के आई कि मे बी ऊपर थोड़ी सी ठंड होगी इसलिए. बट यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी हो रही है. काफ़ी गर्मी. कितना मज़ा आ रहा है. ये जो केबल कार है वो एक्चुअली 5 मिनट्स लेने वाली है टू रीच टू द टॉप. बट द व्यूज फ्रॉम हियर आर स्पेक्टेकुलर. क्या लग रहा है नवी, कैसे हैं व्यूज? बहुत सही लग रहा है. मैं ये सोच रहा हूँ कि बर्फ के टाइम पे कितना मस्त रहेगा. बट आई थिंक हाँ, बर्फ के टाइम पे भी बहुत मस्त होगा. आई मीन टू से विंटर्स. और कितने सारे केबल कार है यार, बहुत ज्यादा ही है यार. So actually, यहाँ तक हमने देखा था 7 francs. अरे यार मस्त शॉट आता है मैंने. क्या धक्का दे रही है अपनी को सीधा. गाइज एक स्मॉल अपडेट, 7 francs नहीं 18 francs लगते हैं. 4 stops होते हैं. फर्स्ट स्टॉप पे उतरने के लिए आपको 7 francs लगेंगे एंड यू टेक 30 minutes टू रीच ऑन द टॉप ऑफ माउंट पिलाटस. गाइज एक छोटा सा पिट स्टॉप होता है बिफोर यू कैन टेक योर फाइनल केबल कार टू पिलाटस. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. लेट्स शो देम फ्रॉम आउटसाइड. यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे यू कैन टेक द रिफ्रेशमेंट्स एंड यहाँ से व्यू देख लीजिए गाइस. वी हैव अ बिगर माउंटेन टू अचीव. अचीव ये देखिए. Hey guys, we made it. अभी हम आ गए हैं on the top of Mount Pilatus. Guys, the cable car journey. The second one was amazing. Amazing, like literally ऐसा लग रहा था कि आप बादलों में से जा रहे हो. You can see the clouds so clearly. Wow, ये बहुत ही ऐसा अच्छा बना हुआ है. Like एक आपको झलक दिखाती हूँ. Like look at this. आप पहाड़ों के बीच में कॉफी पी सकते हो आराम से. ये देखिए. गाइज हम क्या सही टाइम पे आए. जैसे ही हम आए यहाँ पे हमने व्यू देख लिया और पूरे ऐसे अभी बादल आ गए हैं. जस्ट लुक एट दिस. अभी विजिबिलिटी प्रैक्टिकली जीरो है. अभी थोड़ा टाइम हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, व्यू एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे थोड़ी एक्टिविटीज हैं वो कर लेंगे. और जो रियल व्यू है ना जो हम लोग को फर्स्ट आते आते दिखा. गाइज गुड न्यूज, द व्यू इज बैक. सी दिस. काफी चिल है यार यहाँ पे. लोगों ने अपना पूरा बॉक्स और बैग पूरा भर के आके यहाँ पे फुल चिल मार रहे हैं. हाँ, पिकनिक स्पॉट बना दिए है. बड़ा अच्छा लग रहा है यार. Oh, it looks so close. When
हम लोग ने यहाँ पे काफी ज्यादा चिल कर लिया है, एक घंटा हम यहाँ पे थे। अभी हम जाके थोड़ी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एक राइड है, लॉट्स ऑफ स्टफ टू डू। गाइस थोड़ा जल्दी आओ, क्योंकि देखो अगर आप ये टाइम पे आओगे जब हम निकल रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा क्राउड मिलेगा। ओके गाइस, तो फिर हम माउंट पिलाटस से केबल कार में ही वापस आ गए, क्योंकि हमको टोबोगन राइड लेनी थी। सो वंस वी केम बैक, हमने टोबोगन राइड की टिकट ले ली, क्यू में रुक गए। एंड गाइस द व्यूज वर अमेजिंग, और स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, इट वॉज अमेजिंग। डेफिनेटली रिकमेंड यू शुड डू द टोबोगन राइड। और जब टोबोगन राइड के बाद आपको ऊपर भी लेके आते हैं, वहाँ से भी व्यूज बहुत मस्त आते हैं। ओवरऑल द प्रोसेस वॉज अमेजिंग। तो दिस इज वन थिंग यू शुड डेफिनेटली डू वेन यू आर इन माउंट पिलाटस, टोबोगन राइड। आफ्टर दैट हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सो वी वेंट टू द रेस्टोरेंट वहीं पे जहाँ पे माउंट पिलाटस का फर्स्ट स्टॉप था। And we had some chicken nuggets, some rice and chicken. The food was delicious. A little expensive, but it was super, super delicious. So, humne lunch udhar hi kar liya. And then we took the cable car and we came down. Guys, we are twinning again. White caps, orange tees and white... ओके, तो रेस्ट ऑफ द डे हम लोग ऐसे ही ल्यूसर्न में घूम रहे थे। वी सॉ दिस ब्रिज, चैपल ब्रिज, और हम लोग लाइक यू नो वी वर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर। देन वी सडनली डिसाइडेड कि हम लोग बोट पेडल राइड ले लेते हैं, विच इज़ लाइक यू रेंट अ पेडल बोट एंड यू जस्ट कीप पेडलिंग आफ्टर सम आइसक्रीम। सो वी ऑल्सो टुक सम बर्गर, सम बियर, सम कोक, एंड वी वर जस्ट पेडलिंग फॉर वन एंड अ हाफ आवर्स। दिस इज द बोट, दिस इज द फूड, एंड या इट वॉज क्वाइट फन। फिर 7-8 बज गए, देन वी जस्ट टुक आवर बस एंड वी वेंट बैक टू द होटल। एंड दैट्स इट विद दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट इंटरलाकिन, तो वो वीडियो के लिए भी आप वेट करो, जल्दी वो वीडियो भी आने वाली है। बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन आए जैसे वो वीडियो लाइव आएगी। एंड दैट्स इट, बाय, टेक केयर गाइस।